2018 में करंट अफेयर से क्या क्या आया था। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही है कि जो क्वेश्चन है उसको देख के इस बार का क्या है हमको ये ध्यान देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बाय 2020, ये किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष, तो इन्होंने मिशन रेनबो दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से है? इसमें सेवन, कौन से? टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस और मीजल्स, टीबी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, फिर अभी रोटा वायरस ऐड किया, रोटा वायरस हो गया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये स्पेसिफिक एरियाज ना जहां पर है उनके लिए तराई में होता है इसका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए 14 जून 2019 से रमन एकेडमी शिमला में मेंस टेस्ट सीरीज और कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। फ्री वर्कशॉप 8 और 9 जून को होगी, जिसमें हम HPAS मेंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर में आए मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 11 जून को आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पर डिस्कशन होगा और सभी क्लासेस शिमला स्टडी सेंटर पर होंगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017, हाउ मेनी फीमेल्स सफर्ड फ्रॉम एनीमिया इन इंडिया? 51% है। तो अभी इस बार की भी आ चुकी है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018, इसमें ये बात करी गई है कि एक्यूट मालन्यूट्रिशन है ना हमारे, जैसे वेस्टेड जो है बच्चे, वेस्टेड इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, और जो आपके स्टंटेड है, स्टंटेड रुक जाते हैं ना, हाइट कम हो जाती है, तो स्टंटेड इंडिया में हाईएस्ट है, और हमारे पास 1/3 ऑफ द वर्ल्ड के जो बच्चे, 1/3 स्टंटेड बच्चे इंडिया में वर्ल्ड के, बहुत ज्यादा है। और 1/3 जो आपकी विमेन है रिप्रोडक्टिव एज में, वो सारी एनीमिक है। ये सारी रिपोर्ट में आई है ना, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018। ठीक है, तो वेस्टेड में एक तरह से एक्यूट मालन्यूट्रिशन कुछ टाइम के लिए हो रहा है, और अगर वो क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन है तो स्टंटिंग हो जाती है। तो ये वेस्टिंग, स्टंटिंग, और अभी वैसे स्टंटिंग इंडिया में कम हुई है, जैसे 32.6 थी 2000 में, अब ये 22% हो चुकी है 2017 में, तो हमारी ओवरऑल वेस्टिंग कम हुई। बट फिर भी वर्ल्ड में हमारे 1/3 बच्चे पूरे वर्ल्ड के हमारे यहाँ पर है जो स्टंटेड बच्चे हैं, स्टंटेड बच्चे, और ये स्टंटिंग का फैक्ट था जो मैं कहता ना, 32.6 आपका 2000 से अभी 22.2 है इस बार 2017 में, ये स्टंटिंग का फैक्ट। व्हाट इज द एस्टिमेटेड सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन बजट 2018-19? उस टाइम में 1.3 लाख करोड़ हुआ था, और अभी इंटरिम बजट आया 1920 का, टोटल इंटरिम बजट कितना है हमारा? 27,84,200 करोड़ इस बार इंटरिम है, तो 27,84,200 करोड़। हाउ मेनी पुअर फैमिलीज विल बी प्रोवाइडेड विद हाउ मच मेडिकल इंश्योरेंस पर फैमिली इन 2018-19 आयुष्मान भारत? 100 hours देने का ऐसा कहा था कि अपने ऑफिसर्स वगैरह पर 100 hours दें साल में कहां से उठाते हैं मतलब ये तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वो आपको सारी पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म, उनके नाम और उसके अंदर क्या क्या चीजें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कम होती है वो तो सारी याद करनी पड़ेगी, और हमारे यहाँ क्या होता है थोड़ी सी डेट भी पूछ रहे हैं, बाकी जो छोटी स्कीम्स पूछ रहे होते हैं ना वो सारी सर्वे में ना सर्वे में दी होती है, कुछ बजट में भी बात होती है ना, वो आ सकती है, जैसे हिम केयर इस बार हम बोल रहे हैं तो आना चाहिए, आ सकता है। Who won the Nobel Prize for Chemistry? ठीक है, तो पिछले साल के अंदर केमिस्ट्री के थे, इस बार किस किस को मिला है केमिस्ट्री में? फ्रांसिस एच आर्नॉट है ना, और फिर जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर है ना, तो आधा मिला था फ्रांसिस एच आर्नॉट को,
फॉर द डायरेक्टेड एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम, और जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर को फेक डिस्प्ले ऑफ द पेप्टाइड एंड एंटीबॉडीज, तो आधा आधा इसमें होता है, ठीक है, मतलब 1/4 1/4, और हाफ फ्रांसिस एच आर्नॉल्ड का मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोबल सारे हमारे, ठीक है, नोबल किसको मिला है। Who won the women's single Wimbledon tournament in 2017? तो 18 में कौन जीता है? एंजेलिक कर्बर, नोवाक जोकोविक है। कौन जीती है? हाँ, नोसाम है। नोसाम का यूज़ विंबलडन कर्बर है। कर्बर पिछला था ना, अभी वो नोवाक जोकोविक अभी जीती है। जीती है। यूएस ओपन पहले होता है ना? मैं जो जोकोविक जीता है यूएस एंड विंबलडन लास्ट टाइम। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता था? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, ये हलीमा याकूब है ना, ये इसलिए भी फेमस थे क्योंकि उस टाइम न्यूज में ना शी वॉज इलेक्टेड अनपोस्ट, किसी कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हो, तो ऐसा कोई न्यूज में भी बहुत बड़ी था इसलिए। फिर Why Jagmeet Singh is in news? So he is elected leader of Canada's New Democratic Party. और अभी recently अभी मार्च में ना कि ये first non-white leader है major opposition का, opposition party में इसको वो बना दिया भाई, head बना दिया भाई, ना बोलो parliament का opposition leader है ये Jagmeet Singh, तो इस बार भी ये important है Canada में। तो जैसे ही आए थे फिर उन्होंने वो बोले थे ना अभी न्यूजीलैंड में मुस्लिम्स के अगेंस्ट अटैक, तो सबसे पहले इसने मॉस्क वाले अटैक्स को डिनाउंस किया, जैसे आया पहला क्वेश्चन तो यही था, इसने डिनाउंस किया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर डाल दिया था कि पॉवर्टी के ले जाकर। फिर व्हाई हम्बन तोता पोर्ट हैज बीन इन न्यूज, हम्बन तोता चाइना, ये चाइना इज रिजॉर्टिस पहले तो है कहां पे, श्रीलंका, श्रीलंका चाइना, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चाइना, चाइना की चाइना को एग्रेशन, और वन बेल्ट वन रूट, वन रूट है ना चाइना, वो भी हो आ गया। सिर दर्द हो रही है? सिर दर्द, चॉकलेट खा ले, चॉकलेट है किसी के पास। Who was awarded best actress award in the 64th national film award function? तो 65th में किसको मिला है? श्रीदेवी जी को मिला है, मॉम, 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 श्रीदेवी मॉम। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? जयराज, ये ना भयंकर मलयालम मूवी है ना, और फीचर फिल्म हमारी विलेज रॉक्स, विलेज रॉक्स ये ना असामी, फिर एक्टर रिद्धि सेन है ये नगर कीर्तन बंगाली, और एक्ट्रेस हमारी श्रीदेवी जी है ना मॉम, और बेस्ट फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन के लिए धब्बा, धब्बा मूवी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट मूवी। इसके बाद मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये सारे मतलब है तो टाइम से सच्चिदानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन हिंदी पोएट है, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर, अयन कली ये हरिजन लीडर थे, अयन कली जी और फातिमा बीबी जज, ये जज जज। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न, इसको मिला सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, इस बार भारत रत्न किसको मिला? भूपेन हजारिका और वही लिविंग है बाकी चले गए। Who is appointed as the new chairman of ISRO? और ये युविका है स्कीम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इन्होंने युविका स्टार्ट किया हुआ, इसको चला रहे हैं, काफी न्यूज में चल रहा है, छोटे बच्चों के लिए युविका। First woman advocate whose name has been recommended by collegium to become a judge of Indu Malhotra, Indu Malhotra directly lawyer से elevate हो गए judge of the Supreme Court, और current maximum कितने होते positions? 31 अभी 28 CGI according to United Nations Human Development Report 2016 The world's top three countries in term of human development are तो top three कौन है अभी 2018 में? सबसे ऊपर नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जब कर गया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया क्या है रैंक? HDI 130 है ना, 189 में से हम 130 रह गए, 130 HDI नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया।
Who among the following were awarded Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for 2015-16? तो अभी 18 में किसको मिला है? विराट कोहली. और 17 में ये देवेंद्र जाजरिया और सरदार सिंह. देवेंद्र जाजरिया सरदार सिंह 2017 और अभी 2018 कोहली. मेरा भाई तो अभी हमारे लिए 18 वाले इंपॉर्टेंट है, कोहली और मेरा भाई चार. Who among the following was conferred Gyanpeeth Award? Shankar Ghosh. इसमें Shankar Ghosh. इसने 17 पूछा हुआ. वैसे इन्होंने 16 लिखा हुआ है. देखो रघुवीर चौधरी को 2016 में मिला था, कृष्णा सोमदी को 2017 में मिला था और अभी अमिताभ घोष. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है Gyanpeeth Award. वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही इसमें देख के इस बार के जो है. Who among the following has been appointed the director of CBI? CBI के भी कौन बन चुके हैं? ऋषि कुमार शुक्ला. ऋषि कुमार शुक्ला, आर के शुक्ला जी बने. ये फरवरी में ही बने तो ये आ सकते हैं. ऋषि कुमार शुक्ला CBI पूछा जा सकता है. ये है तेहमनिया जंजुबा इज द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान हिस्ट्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी. अभी यहाँ पे एक सुमन कुमारी है, शी इज द फर्स्ट हिंदू जज ऑफ पाकिस्तान. सुमन कुमारी आहिरा सफदर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुमन कुमारी फर्स्ट हिंदू वुमेन जज सिविल जज. फिर हमारा टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? टीचर्स डे. फिर ये लिविंग एंटिटी है, कौन देता रहता है? उत्तराखंड वाले का. अभी रिसेंटली एनिमल किंगडम को दिया है लिविंग एंटिटी. तो पहले इन्होंने गंगा को दिया था उत्तराखंड वाला, गंगा और यमुना. और गंगा स्क्रैप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. और न्यूजीलैंड है, यहाँ पे वांगा हुई रिवर है, इसको भी ये लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया हुआ न्यूजीलैंड. In India, life expectancy is 68.56 अभी कह रहे हैं 2016 की 68.56 और WHO ने अभी 68.8 कहा है इंडिया के लिए 2018 में. WHO से 68.8 और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से 68.56 2016 में. जो क्वेश्चन है बेसिकली उस टाइम पे इलेक्शन हुए थे, इसलिए द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू विच टू चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट बिलोंग यू फॉल इन दिस स्टेट ऑफ जस्ट यू. ये उत्तराखंड में थे ना, उत्तराखंड से उस टाइम पे यू वो आदित्य योगी ना है ना, योगी आदित्यनाथ. योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ. कोल ट्राइन कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ये एक तरह से ज्योग्राफी के बेसिस पे भी किया जा सकता है, कोल ट्राइन कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. फिर अंडमान निकोबार के ट्राइब्स कौन से हैं? अभी मारा किसने था? जरावा है, सेंटिनेली, पोंचे और निकोबारी. और मारा किसने था? सेंटिनेली. इसको मारा था जो अमेरिकन जॉन चाउ. हाँ, जॉन चाउ को मारा था. कन्वर्ट करने चले थे उनको चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. तो डॉक्टर विजय पी भटकर यही है. अभी भी अमरते सिंह की बात हो रही थी बट छोड़ दिया. डॉक्टर विजय पी भटकर भटकर अभी तो यही है ना, अगर आएगा तो अभी चांसलर कौन? विजय पी बी एच ए टी के. The nota option was first used in कब? 2013 election में था, assembly election में थे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की यूटी में. तो यहाँ पर हुए थे. ठीक है. Next question है, who among the following were conferred पद्म विभूषण अवार्ड in 2017? तो इस बार पद्म विभूषण किन किन को मिले हैं? तीजन भाई, इनको आर्ट के लिए मिले हैं ना, वोकल फोक. फिर इस्माइल ओमर कुले, ये इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन, क्यों? जिबूती के प्रेसिडेंट है ये ना. फिर अनिल कुमार मनीभाई नासिक, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, ये आर्ट एक्टिंग थिएटर, इसके लिए.
ये जो क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. तो ये यूपी है, योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य. दिनेश रावत. यस शर्मा जी. बट ये शायद केशव प्रसाद मौर्य ये भी उस टाइम पे लोकसभा के मेंबर थे. ये दोनों हो गए. बट ये क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसा ये उस टाइम पे इलेक्शन थे, उस टाइम पे ये बात पूछ ली गई थी, अलग सी बात थी. बट अब बहुत पुराने हो गए, ये सेम चीज नहीं आ सकती. बट हाँ, ऐसा कुछ इलेक्शन में हो रहा हो या हो जाए तो वो चीज आ सकती है. Which of the following city is called Silicon Valley of India? Bangalore. और ये बार बार है, ये repeated question है, काफी बार आ चुका है. ये Donald Trump 45th US president, उस time news में था ये कि 45th है, उस time election हो रहे थे बार बार. ऐसा था कि जो fact बार बार है आ रहा है news में, उसमें कोई एक important उसका fact उठा लेते हैं. In which field was Juan Manuel Santos given 2016 Nobel Prize? Peace के लिए मिला था. इस बार peace के लिए किसको मिला है? Dennis Mukwege. दादी मुराद कहाँ से है? इराक से है. यजदी women है. और ये Dennis Mukwege ये कांगो के हैं और gynecologist, rape victim जो women हैं उनको help करते हैं. लाइफ डेडिकेट किए ना अच्छे लोग. टू विच कंट्री डज द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस. पोर्चुगल. अभी भी यही है. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है. विच कंट्री ओन्स द मार्गरेटा आइलैंड विच वॉज द वेन्यू ऑफ 17th नाम समिट. वेनेजुएला. इनके पास है मार्गरेटा आइलैंड. और 18th नाम कहां होनी है? अभी अजरबैजान में. 2019 में अजरबैजान में होने जो 18 समिट है. नाम मार्गरेट आइलैंड है. वेनेजुएला का है. वेनेजुएला के अंदर है. Who among the following persons has secured India's 12th Olympic quota berth for shooting for Rio Games? ये उस टाइम जीतू राय जी है, ये जीते थे तो डायरेक्टली ना ओलंपिक बर्थ. Who among the following person has been appointed in UP's लोकायुक्त? उस टाइम वीरेंद्र सिंह थे. अभी लोकपाल वाला क्वेश्चन आ सकता है. कौन है लोकपाल? पीसी घोष. पीसी घोष. इसे पिनाकी चंद्र घोष. घोष जी एचओएससी. ठीक है. Which of the following Indian state will get the first ever solar stellar observatory? ये कहाँ स्टार्ट हो रही है? गुजरात में solar stellar observatory स्टार्ट हो रही है. India celebrated its first Constitution Day on 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949. गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे. और क्या मनाएंगे? 26 नवंबर. वैसे जो आपका 26 नवंबर 1949 है, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और आपका 26 जनवरी 1950 इफेक्ट में आया, इंप्लीमेंट हुआ था. और ये 19 नवंबर 2015 से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डे उन्होंने बोला था मनाएंगे और फिर 26 नवंबर से मनाना शुरू. 15 से भी स्टार्ट अब हर साल मनाया जाता. In which state Hornbill Festival has been observed to occur? Nagaland. Hornbill Festival. Yes, a repeated question. Consider the following statements regarding IRNSS-1E. So, इसका full form क्या होता है? Indian Regional Examination. इसमें 7 satellite होंगे, 3 geostationary है और 4 geosynchronous poses. और अभी लास्ट IRNSS वन आई मेजर. ठीक है, आई मेजर था. जो ए था, ए में दिक्कत हो गई थी, वो रुबिडियम क्लॉक वो खराब हो गई थी. और एच था, एच जब वो हीट शील्ड अटैच कर रहे थे वो नहीं आ पाई, नहीं निकल पाई थी ना स्पेसिफिक. तो इट इज इंडियाज, इसमें उस ई के बारे में पूछा, तो फिफ्थ नेविगेशन सैटेलाइट है. अभी 7 पहुंच चुके, 8 टोटल भेज चुके हैं. It was launched from PSLV, जैसे INSS I है, तो ये C-41 में भेजा था, श्रीहरिकोटा से भेजा था. तो successfully launched from Satish Dhawan Center, श्रीहरिकोटा,
And it is an independent regional navigation satellite system designed to provide information in the Indian region and 1500 km around the Indian mainland. In fact, 1500 km around kar. हमारे से डिफेंस सर्विसेज को भी हेल्प करेगी है ना पिन पॉइंट नेविगेशन के विद रिगार्ड टू रिसेंटली अप्रूव्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. तो फसल बीमा योजना में कौन कौन है. पहला फर्स्ट एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप द प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर विल बी ओनली 5%. तो हॉर्टिकल्चर के लिए 5% है और यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% आपका खारिफ के लिए है और 1.5% रबी के लिए. तो ये तीनों पार्ट्स ठीक है ठीक है. तो देखो स्कीम है तो इंपॉर्टेंट स्कीम है तो उसमें डेप्थ में जा रहे हैं और मेजर फैक्ट्स पूछ रहे हैं. फिर उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर्स एयर क्वालिटी बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स. तो इसमें अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, इन सब को देखते हैं ठीक है. और PM2.5, PM10. ओजोन जब सरफेस पे होती है तो पॉइजनस होती है, पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है. फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे HNO3 H2SO4 बनता है, वो एसिड रेन करता है ठीक है, एसिड रेन इसकी वजह से होती है. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्टार्ट कब हुआ था, 25th July 2015 पटना से शुरू. और क्या चाह रहे हैं इसमें, 24/7 पावर सप्लाई रूरल इंडिया के लिए. और अभी 756 बिलियन रुपीस इसमें रूरल इलेक्ट्रिक. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड पद्म विभूषण ठीक है. तो पद्म विभूषण तो इस बार किस किस को मिले हैं, बलवंत मोरेश्वर पुरंदेर और तीजन भाई और अनिल मनीभाई नायक और इस्माइल उमर गुले. और इस्माइल उमर गुले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिबूती प्रेसिडेंट को मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट. फिर देखो मैन बुकर फिर से रिपीट हो गया. तो मैन बुकर 2015 किसको दिया हमको, अभी किसको दिया है 2018 मिल्क में. और देखो दो होते हैं इंटरनेशनल मैन बुकर इंटरनेशनल, वो किसको मिला है, बुक फ्लाइट्स है और ओलगा ओलगा तो दारू और जेनिफर क्रॉफी जेनिफर क्रॉफी ट्रांसलेट करेगी. गोल्डन मैन बुकर इंग्लिश पेशेंट मिशेल ओंदाते. फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो स्टार्ट कब हुआ है, 30 नवंबर 2015 ठीक है. और पेरिस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस ओलांदे हैज जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर एंड द इंटरिम सेक्रेटेरिएट ऑफ द ISA इज लोकेटेड एट गुड़गांव इंडिया. और इसके फिर ISA हैज 122 प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज, अभी प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स है 122. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडेक्स ठीक है. हमारा भी 2018 में क्या रैंक है, 78 करप्शन वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ठीक है हमारे लिए इंडेक्स. फिर इसमें इंडिया का रैंक अभी यूज करेंगे हम 78 out of 180. फिर लिस्ट इज टॉप्ड बाय डेनमार्क, ये ठीक है, फॉलोड बाय इस बार अब न्यूजीलैंड हो चुका है ठीक है ना. पहला डेनमार्क है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर थर्ड लेवल पे अब जैसे फिनलैंड और स्वीडन थे ना पहले सेकंड थर्ड, तो अब ये दोनों थर्ड हो चुके. टॉप पे कौन, टॉप पे आपका डेनमार्क है, सेकंड न्यूजीलैंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जीका, इट इज ट्रांसमिटेड बाय डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्किटो सच एज एडीज एजिप्टी ठीक है, पर इंडिया में एडीज एजिप्टी बहुत है. इट इज अ मेंबर ऑफ द वायरस फैमिली फ्लैबी वायरिडी एंड द जीनस फ्लैबी वायरस, ये है. द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ जीका आर फीवर, रैश, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, ये सब है. द वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन April 1947 एट ब्राजील युगांडा ठीक है. तो ये ठीक है. और इससे कौन से डिजीज होते हैं, एक माइक्रोसेफेली, सिर छोटा हो जाता है, और गुलिन-बैरी सिंड्रोम ठीक है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है. गुलिन-बैरी सिंड्रोम और माइक्रोसेफेली, सिर छोटा हो जाता है, ब्राजील में हुआ था, ब्राजील ठीक है.
ब्राजील में बहुत फैला है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्स से ट्रांसमिट हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस डील। It a total of 31 organization for economic cooperation and development OECD member agreed to sign the deal. ठीक है, corporate tax avoidance के लिए. And it will be harder for firms to hide money in tax haven or play one country's tax authority against the other. ये चीज होगी तो corporate tax avoidance deal से ये benefits हमको मिलेंगे. तो France is not among them. France इसका member है. So France is a member. हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए 14 जून 2019 से रमन एकेडमी शिमला में मेंस टेस्ट सीरीज और कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। फ्री वर्कशॉप 8 और 9 जून को होगी, जिसमें हम HPAS मेंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर में आए मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 11 जून को आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पर डिस्कशन होगा और सभी क्लासेस शिमला स्टडी सेंटर पर होंगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।